अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बताएं कि दोपहर की रूटीन हमारी क्या होती है, क्योंकि सुबह का जो है नाश्ता सब लोग हम कर लेते हैं और दिन को भी भूख लगती है व्यूअर्स। तो हमने सब ने चारपाई भी बिछा ली है, सुहाना और अम्मी भी मेरे साथ है, क्योंकि मेरे मियाँ गए हुए हैं मजदूरी पे। तो हमारी डेली दिन की यही रूटीन होती है कि हम चटनी बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े की होती है, क्योंकि हमारे गांव में चटनी दोपहर को बनाते हैं। तो आज मैं आपको चटनी बनाकर दिखाऊंगी कि हमारी चटनी किस तरह होती है। साथ में अम्बली हो तो फिर ज्यादा मजा होता है चटनी बनाने का, क्योंकि आज अम्बली नहीं है ना। अम्मी को तो बहुत ज्यादा गर्मी लग गई है, इसने जो है कपड़ा पोसा के अपने होते सार के सामने। फिर जो है और लस्सी डालूंगी। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो है टुकड़े मैंने कर लिए, और सुहाना भी प्याज और जो है टमाटर ये इसने बना लिए है, क्योंकि अब हम इसकी कूटेंगे चूरी। सुहाना को तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि ये कह रही है कि जल्दी से करो भाभी, मुझे बना कर दो, क्योंकि
क्योंकि मैं बनाऊंगी ना, अम्मी सोई हुई है अभी, वो उठेगी तो साथ में मिलके खाएंगे ना। अभी कुछ थोड़ी सा सब्र कर लो। तो आप देख सकते हैं ये हमारा चटन पुलाव तैयार हो चुका है। अब इसमें डालूंगी मैं प्याज और टमाटर। चटनी जो है हमारी तैयार हो चुकी है और दोपहर की हमें यही रूटीन होती है कि हम चटनी के साथ जो है सब मिलकर जो है दिन को खाते हैं। तो हम तू डासना कितनी चास्ती बड़ी थी, स्वाद ही बड़ी थी, चास्ती बड़ी थी। हाँ, चटनी सारी द गांव दी फेवरेट डिश है। ऐसा दियो को हर रोज नाश्ते ही दोपहर के नाश्ते ना चटनी बड़े होनी है।